नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल और स्वागत है आप सभी का CN न्यूज में। अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक के लिए हिंदू पक्षकारों के दावों का विरोध करते हुए मुस्लिम पक्षकारों ने सोमवार 2 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दी हैं। जी हाँ, अब हिंदुओं की सभी दलीलें पेश हो चुकी है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये विवादित भूमि का मामला हिंदू की आस्था विश्वास के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि राम का जन्म विवादित स्थल पर हुआ था। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भारत के भविष्य, इसकी धर्मनिरपेक्षता और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। धवन ने कोर्ट में कहा कि क्या निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस मामले में कैसे अदालत भगवान राम के जन्मभूमि के सटीक स्थान का निर्धारण करेगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया, फिर 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1992 में इसे तोड़ दिया और अब कहते फिर रहे हैं कि संबंधित जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, न्यायाधीश रंजन गोगोई नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने महत्वपूर्ण कार्रवाई के 17वें दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने शुरू की। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ को बताया कि कानूनी मामलों में ऐतिहासिक बातों और तथ्य पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड और उसके वास्तविक याचिकाकर्ताओं में से एक एम सिद्दीकी की ओर से पेश धवन ने कहा कि 1934 में आपने हिंदुओं की मस्जिद को तोड़ दिया और 1949 में अवैध घुसपैठ की तथा 1992 में अपनी मस्जिद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सभी तबाही के बाद आप कहते फिर रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ काम किया। अब आप कह रहे हो कि हमारे अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, ऐसे में भला कैसे न्याय हो सकता है। हालांकि संवैधानिक पीठ ने फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप पुरानी बातों में मत जाइए, आपकी सभी दलीलें मुद्दों से संबंधित होनी चाहिए। तो वहीं धवन ने कहा कि ये सभी मुद्दे दूसरे पक्ष द्वारा उठाए गए हैं और उन्हें जवाब देने की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि ये सुनवाई देश के भविष्य से जुड़ी है। इस पर रामलला विराजमान के वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त वैद्यनाथन खड़े हुए और कहा कि धवन को मुस्लिम पक्षों के मामले में सोचना चाहिए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वो अपने मामले को जिस तरह से रखना चाहे उसके लिए वो आज़ाद है। तो वहीं धवन ने संवैधानिक पीठ से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों में से एक ने उल्लेख किया था कि ऐतिहासिक तथा मालिकाना हक पर फैसला करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। उन्होंने ये तक कह दिया कि तुलसीदास लिखी द्वारा रामायण एक काव्य है और इसे इतिहास का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में दर्शक मुस्लिम पक्षों की इन सभी दलीलों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग HCN News को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।